वो रेशनल नहीं है, जो आधा आदमी है वो रेशनल, तो ये पूरे नंबर नहीं है, हाफ वन बाई टू क्या पूरे नंबर नहीं है, ये आधे नंबर वाला होता है न्यूमरेटर, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, तुम्हारा इंग्लिश मीडियम है ना, हाँ, और ये होता है डिनोमिनेटर, ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, ठीक है, लिख लो लिखना आपको, ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर एन यू एम, नीचे होता है डी एम डिनोमिनेटर, समझ गए, अब क्या होता है नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है ना, तो नीचे वाला जो होता है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जैसे कि मान लो हमने लिखा वन बाई जीरो, हमने कहा ना नीचे वाला नंबर, नीचे वाला नंबर जीरो, ये इक्वल टू और उसको काट दिया हमने, मतलब क्या वो इक्वल टू तो मतलब बराबर होता है, अगर सिर्फ ये लिखते तो इसका मतलब होता है b किसके बराबर है, जीरो के, लेकिन अगर हम इसको काट देते हैं तो इसको पढ़ते हैं कि b जीरो के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे एक कंडीशन क्या होनी चाहिए कि b जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यों, अगर b अगर जीरो के बराबर हो गया तो क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, जीरो से किसी चीज को डिवाइड करते हो अगर जीरो इंफिनिटी हो जाए, नहीं इंफिनिटी आता है, जीरो नहीं आता, असंख्य जिसको गिनी नहीं सकते, अगर जीरो से कोई चीज डिवाइड हो जाती है तो वो असंख्य हो जाता है, जैसे तुम्हारे बाल सर पे बाल, अगर कोई कहे गिनो सर पे बाल तो नहीं गिन सकते, वो असंख्य, आसमान में तारे असंख्य, इसे बोल देते हैं असंख्य, तो कोई भी चीज जीरो से डिवाइड होती है तो इनफाइनाइट आता है, और जीरो से अगर मल्टीप्लाई होती है तब जीरो आता है, ठीक है, तो जीरो नहीं बोलना, अगर डिवाइड होता है तो क्या आता है इनफाइनाइट, मल्टीप्लाई होता है तब डिवाइड आता है जीरो, इसलिए क्या बोला है रेशनल नंबर में कंडीशन इन्होंने क्या बता दी कि जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हो गया ये तो रेशनल कोई नंबर ही नहीं रह जाएगा, फिर तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, तो इतनी बात समझ में आ गई, अब रेशनल नंबर पहचान लोगे, अब पहचान लोगे, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं आधे नंबर जो फ्रैक्शन में होते हैं, और कंडीशन क्या होनी चाहिए बी बी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, सर वो रही बी जीरो के बराबर नहीं, आगे बढ़े, यस सर, अब हमने मास बी ओ डी एम ए एस ये कहाँ लगाते हैं बॉर्ड मास सर, ब्रैकेट, जब एक ही क्वेश्चन में कई सारे साइन आपको दिखते हैं, क्वेश्चन एक ही है लेकिन उसमें आपको ब्रैकेट भी दिख रहा है, मल्टीप्लाई भी दिख रहा है, डिवाइड भी दिख रहा है, माइनस भी दिख रहा है, प्लस भी दिख रहा है, ठीक है, यानी एक ही क्वेश्चन में कई सारे साइन है, तो वहां पे ये लगाते हैं, जब एक क्वेश्चन में एक ही साइन होगा तो कोई मतलब नहीं, लेकिन जब एक से ज्यादा साइन हो जाते हैं तो बॉर्ड मास लगाते हैं, अब बॉर्ड मास का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, लिख लो ये, बी का मतलब होता है ब्रैकेट ये वाला, मतलब कि अगर कहीं भी ये बी आर एस वो है बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट ओ का, हाँ अभी बताए, मतलब कहीं भी अगर ये ब्रैकेट दिख रहा होगा ऐसे तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, सबसे पहले ओ का आपके में कोई मतलब नहीं है, वो आपको नहीं पढ़ना, इंजीनियरिंग वाले पढ़ते हैं और वो नहीं पढ़ना, ठीक है, वो नहीं दिखेगा, डी का होता है डिवाइड, डी एम का होता है मल्टीप्लाई, ए का होता है, ए का होता है ऐड, ऐड और एस का होता है माइनस, ए का होता है ऐड, एस का होता है सब्सट्रैक्ट, ठीक है, अब
क्वेश्चन में तुम्हें अगर कहीं ब्रैकेट दिख रहा है तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट। और अगर मान लो ब्रैकेट नहीं दिख रहा तो उसके बाद क्या सॉल्व होगा? डिवाइड। अगर डिवाइड भी नहीं दिख रहा तो उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता कि पहले सबट्रैक्ट कर दे। अगर डिवाइड है तो पहले डिवाइड ही होगा, अगर तुमने पहले माइनस कर दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इसी के आधार पर देखो क्वेश्चन देखते हैं। क्या ये क्वेश्चन देखो, 4/9 प्लस 7/12 इंटू 2/3, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए इसमें बताइए सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? ब्रैकेट। ब्रैकेट दिख रहा है बी। ये देखो ब्रैकेट दिख रहा है, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वो सॉल्व होगी। ये तो समझ में आ गई। अब ब्रैकेट के बाद क्या दिख रहा है? जो आना चाहिए मल्टीप्लाई, यानी ये। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, यानी ब्रैकेट के अंदर जो चीज होगी वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है? प्लस, तो पहले प्लस सॉल्व होगा। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? पहले क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के अंदर तो प्लस है, तो सबसे पहले हमको प्लस सॉल्व करना है। अब प्लस सॉल्व करने के लिए 4/9 प्लस है, ये 4/9 रैशनल नंबर है कि नहीं है? हाँ, फ्रैक्शन। ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये तो पता चल गया। अब इसको रैशनल नंबर को करने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। पहले लेंगे इसका एलसीएम। चलिए एलसीएम लेते हैं 9 और 12 का। पता है कैसे लेते हैं? हां, टेबल पर। जब भी ऐड करते हैं ये, इसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए अगर ये नीचे वाले नंबर दोनों डिफरेंट हैं, तो 9 और 12 का एलसीएम, तो पहले 2 से शुरू करते हैं। क्या 2 से? तो सबसे पहले नंबर तुम देखो कि 1 से कोई मतलब नहीं होता, हम लोग 2 से शुरू करते हैं। अगर 2 से कोई भी नंबर कट रहा है तो काट दीजिए, अगर नहीं कट रहा है कोई भी तो 3 पर आइए, 3 से भी नहीं कट रहा तो 4 पर आइए, 4 से भी नहीं कट रहा तो 5 पर आइए। ठीक है, लेकिन शुरुआत 2 से लेके चलोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हमें 2 से लेके चलना है, तो देखो 2 से एक नंबर कट जा रहा है, जो नहीं कट रहा उसको वैसे ही रखो, जो कट जा रहा है नहीं, 9 जो नहीं कट रहा उसको ऐसे ही रखो, 2 6 कट गया, जो कट रहा है उसको काट दो। अगर मान लेते 2 से कुछ ना कटता, 2 से कुछ ना कटता तो 3 पे, लेकिन शुरुआत 2 से ही करेंगे। अब फिर से देखो, क्या 2 से कोई और नंबर कट रहा है? नहीं, आ गया, आ गया। अब फिर देखो, क्या 2 से कोई नंबर कट रहा है? अब नहीं कट रहा, तो 2 को छोड़ दो। अब 3 पर आ जाओ, 3 पे देखो आप कट रहा है, 3 से जाएंगे तो 3 से किया तो ये 1 1, यानी अब ये खत्म हो गया। इतना ये एलसीएम आ गया समझे? अब एलसीएम में क्या करते हैं, जो भी ये नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 × 3 × 4, ये नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, आगे समझो। अब इसका एलसीएम क्या आया? 36। जब ब्रैकेट तो हटेंगे ना? हाँ, अभी नहीं, ब्रैकेट जब सॉल्व लेंगे। अभी पूरा सॉल्व सॉल्व ये कितना समझ में आ गया? अब एलसीएम जब निकालते हैं तो 36 आ गया, 36। अब नीचे वाला नंबर लेते हैं और नीचे वाले नंबर को चेक करते हैं कि 36 नीचे वाले नंबर के कौन सी टेबल में आ रहा है, कौन से नंबर में आ रहा है। 36 9 की टेबल में कितने बार में आ रहा है? 4 times। क्यों 9 की टेबल में? क्योंकि 9 लिखा है यहां पर। अब हमें पढ़ना है 9 की टेबल में 36 कितने बार में? 4 times 9 = 36 आ रहा है। जितने बार में यहां आएगा 4, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो 4 times आ रहा है। तो 4 पहले से था और 4 times आ रहा है, 4 से हमने मल्टीप्लाई किया। ये वाला 4 पहले से था और ये 4 से कट भी तो रहा है, तो जिससे डिवाइड होगा वो नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ गई? अब 12 के टेबल में 36 कितनी बार में आता है?
ज्योति को नहीं समझ नहीं आया सर, ज्वाला नहीं आया सर, थ्री छत्तीस समझ में आ गया, एलसीएम आ गया, एलसीएम के बाद ये वाला नंबर देखते हैं जो नीचे लिखा है। अब ये वाले नंबर को चेक करते हैं कि 9 की टेबल में 36 कितनी बार में आ रहा है, 9 की टेबल में 36 4 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो 4 को यहाँ लिख लो और ये जो नंबर है इसको यहाँ लिख लो, मतलब अगली में मल्टीप्लाई करना और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करना, जो जिससे कट रहा है वो लिख लो, जो नंबर यहाँ है वो लिख लो और दोनों को मल्टीप्लाई करो, जिससे डिवाइड हो रहा है वो नंबर यहाँ लिख लो, ये वाला नंबर यहाँ लिख लो, दोनों बीच में क्या लगा बस। अब आगे बस ना, इधर पकड़ो इधर पकड़ो, आएगा 21, इतनी बात समझ आ गई, ये नहीं आई तो फिर बता आगे। अब क्या करना है, अब इन दोनों बॉड मास के हिसाब से पहले ऐड होता है कि पहले मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई हां, तो पहले मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो ये सब तो अभी ब्रैकेट लगेगा, हां तब भी 16 प्लस 21 अपॉन 36 16, और ये वाला ब्रैकेट ये वाला लेके चलो बाहर जो चल रहा है, यही आया ना, यस सर, 4 4 16 और 7 3 20 है, तो दोनों के बीच प्लस लगा हो, अब इन दोनों को प्लस करो तो कितना आ गया 16 21, इन दोनों को ऊपर आने, हां 16 प्लस 21 7 3 37 आया, 37। अब ये ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अब सॉल्व हो गया, अब ये बाहर वाला इनटू 2/3 है, अब हमें देखना है कि ये दोनों कौन सी टेबल में आ रहे हैं, कटेगा तो हमको 2 की टेबल से शुरू करना है, देखना है क्या 2 की टेबल में 74 आता है, क्या 2 की टेबल में 108 आता है, हाँ नहीं तो 12 की टेबल में, नहीं 2 की टेबल में गया, 2 से शुरुआत करो, हमने क्या बोला हमेशा नीचे से शुरुआत करो, 2 से देखो 74 डिवाइड होगा 2 से, इन दोनों को उसी नंबर से काटना है, सेम नंबर से, अगर इसको 2 से काट रहे हो तो इसको भी 2 से काट, मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दो तो इसको भी 2 से डिवाइड, 2 से नहीं आ रहा तो 3 से, जिस भी नंबर से होंगे दोनों होंगे, अगर मान लो ये 2 से हो जा रहा है ये नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे छोड़ दो। अब देखो ये 2 से क्यों डिवाइड हो जाएंगे दोनों नंबर, क्योंकि लास्ट वाला नंबर चेक करते हैं, ये 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, अगर लास्ट वाला नंबर आप चेक करेंगे दोनों 2 के टेबल में आ रहा है 37, तो वो 2 से कट जाएगा सर, 37 वो 2 से कट जाएगा सर, ऊपर वाला 37, 2 के टेबल में काटोगे तो 37 ये आ गया, यस सर, और ये आ गया 54 आ गया, हां अब देखो ये तो 7 है, समझ में नहीं आ रहा था कि 2 से कैसे कटेगा, पर लास्ट वाला नंबर देखा करो, अगर 2 की टेबल में लास्ट वाला नंबर आ रहा है तो 2 से कट जाएगा, अगर 3 की टेबल में लास्ट वाला नंबर आ रहा है तो 3 से कट जाएगा, ठीक है, अब देखो 37 अपॉन 54 आ रहा है, यहीं पे अगर तो 4 8 की जगह 9 नहीं कटेगा तो 3 9 9 होता तो 3 से कटेगा, अब देखो यहां 7 है यहां 4 है, तो 7 तो 2 की टेबल में आता नहीं, नहीं 4 आता है तो नहीं कट सकता क्योंकि हमने क्या कहा दोनों एक ही से कट, अब 3 की टेबल आओ, 3 की टेबल में ना 4 आता है ना 7, यानी अब एक नहीं कट सकता, अब आंसर क्या आ गया सिर्फ आपका 37 अपॉन 54 खत्म, अब इससे ज्यादा सवाल नहीं होगा, तो ये कट नहीं जाएगा, आगे बात समझो।